अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। मैं हूं तहसीन और आप देख रहे हैं फीरा तहसीन रिएक्शन। तुर्की ये फर्स्ट आर्म्ड रोबोट, और रोबोट के जब भी नाम आता है तो हमें साइंस फिक्शन याद आता है, वो हॉलीवुड की मूवीज याद आ जाती हैं, टर्मिनेटर मूवी और सारी चीजें इस तरह की। तो अभी इस रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, और उसमें कहा गया है कि पहले रिपोर्ट के अंदर ही इतनी सारी कैपेबिलिटीज हैं जो कि हैरान कर देने वाली हैं। तो फौरन चलाते हैं वीडियो जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है कि उसमें इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और ये रिपोर्ट देखने में कैसा है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, फौरन चलाते हैं इसको। ओ टेक्नो, robotik sistemler ve yapay zekanın savunma alanına entegrasyonuna Türk savunma sanayisi şirketleri de ayak uyduruyor. Savunma sanayisinde yüz... ये तो बिल्कुल डॉग की तरह या भेड़िए की तरह, ये जैसे चार टांगे है बिल्कुल, और बड़ा यूनिक सी चीज है बहुत ही। 50 yıla yakın mühendislik ve üretim tecrübesine sahip dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Sarsılmaz, Saha Expo fuarında yeni ve yeni yetenekler kazanan ürünlerini sergiledi. Sarsılmaz, Saha Expo'da tabancalar, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, uzaktan komutalı silah sistemleri, silahlı robot ve 25 milimetre kara topu gibi silah ve silah sistemlerinden oluşan mühendislik çözümlerini tanıttı. Robotik sistemlerin muharebe sahasındaki kullanımına yönelik gelişmeleri yakından izleyen Sarsılmaz, Türk savunma sanayisi ürünlerine Sarbot'u kattı. Türkiye'nin ilk silahlı robotu unvanına sahip olan Sarbot, bu kez teknolojideki değişime paralel olarak %100 Türk mühendisler tarafından geliştirilen yeni özellikleriyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Sarsılmaz bünyesinde yer alan LA2 Dynamics Mühendislik AŞ tarafından geliştirilen Sarbot'un ilk versiyonu Saha Expo 2022'de sergilenmiş ve büyük ilgi uyandırmıştı. Wow. Sarbot, şimdi silah ve ışın algılama ve mesafe ölçme LIDAR entegre edilmiş, gelişmiş versiyonuyla savunma sektörünün ilgisine sunuluyor. Sarbot'un üstün çevikliği, engebeli arazilerde bile dengeli ve stabil bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Nice. LIDAR ve ileri teknolojiye sahip iki farklı kamera sistemiyle donatılan Sarbot, bulunduğu ortamı üç boyutlu olarak tarayarak gerçek zamanlı veri aktarımı yapabiliyor. Wow. Belirlenen görevi otonom olarak da yerine getirebilirken, özellikle tehlikeli bölgelerde operasyonel riskleri minimize ederek güvenlik kuvveti güvenliğini maksimum düzeyde tutuyor. Nice, very good. Look, क्यों किस तरह से वो balance करता है firing करने के साथ साथ, वो टांगों के साथ balance भी कर रहा है अपने आप को, और कितनी इसके ऊपर बड़ी गन लगी हुई है, amazing. क्या दिमाग है वैसे, वेरी नाइस। वाओ, वाह, वाह, ये रोबोट काम ये भेड़िया ज्यादा लग रहा था, और बहुत ही यूनिक चीज है, और उसके अंदर जो एक तो गन तो उसमें लगी हुई है, बाकी उसका बैलेंसिंग का दिखाया गया कि वो हर किस्म के सरफेस के ऊपर चल सकता है, वो पहाड़ों पे, वो जंगलों में, फर्श पे, कहीं पे भी इसको चला सकते हैं, और बैलेंस उसका इतना अच्छा था, फायरिंग का जो झटका लगता था तभी वो अपने आप को बैलेंस करता था, अमेजिंग चीज़ है। साथ में उस पर इतने स्कैनर्स लगे हुए हैं कि वो रात के अंधेरे में भी देख सकता है, वो हीट के जो सिग्नल्स हैं वो भी ले सकता है, वो लोगों को ढूंढ भी सकता है, और वो कि उसका निशाना भी बहुत एक्यूरेट है। क्या वैसे अमेजिंग चीज़ है, हम लोग देख रहे हैं तुर्की में जो चीज़ें बन रही हैं वो तो बस
मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए, यकीन करें जितनी टेक्नोलॉजी तुर्की में बन चुकी है मैं स्पीचलेस हो चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत से लोग जो हैं, अब जैसे रिसेंटली एक वाक्या भी टेररिज्म का हुआ है तुर्की इंडस्ट्री के ऊपर, जो है डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर, तो उस वक्त भी मैंने वीडियो में कहा था कि जितना मर्जी आप इस तरह की हरकतें कर लें, दुश्मन जो है तुर्की के लोग और ज़्यादा जो है इस पर काम शुरू कर देंगे और तेज़ हो जाएगी हर चीज़, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुर्की को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उनकी के जो स्पीड है ना तरक्की की, वो इंशाल्लाह कामयाब रहेगी, उसे कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो बहुत ही अच्छी वीडियो और बहुत ही अच्छी अपडेट और अमेजिंग, मुझे रिपोर्ट बड़ा अच्छा लगा। अगर मेरे पास में होता ना तो मैं इस रिपोर्ट को अपने पास जरूर रखता। बहुत खूबसूरत रिपोर्ट है। थैंक यू सो मच, जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसको ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को शेयर किया करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hold up.